यस स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट टू ऑफ चैप्टर सेकेंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ स्टूडेंट्स, एक्चुअली दोज हु प्लेस देमसेल्व एट द टॉप ऑफ दिस लेडर कॉल देमसेल्व्स अपर कास्ट एंड सो देमसेल्व्स एज सुपीरियर. And the group who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनको एक लेडर के बॉटम में रखा जाता है तो उनको क्या कहा जाता है, उनको किस तरीके से देखा जाता है, untouchables के रूप में. एक्चुअली क्या है कि जो जिन्होंने अपने आप को ना इस लेडर में सबसे ऊपर बॉटम पर रखा है, सॉरी टॉप पर रखा है, उन्होंने अपने आप को क्या कहा है, उन्होंने अपने आप को तो अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट वाला, एंड सो देमसेल्फ्स एज सुपीरियर, और अपने आप को सुपीरियर दिखाया है. जबकि और उसके साथ जिन जिन ग्रुप्स को इन्होंने किस में दिखाया है, उन्होंने लीडर के बॉटम पर रखा है जिनको उन्होंने, तो उनको किस रूप में वो दिखाते हैं, उनको वो क्या मानते हैं, उनको वो अनटचेबल, ठीक है, अछूत और अयोग्य उनको क्या कहा जाता है. सो कास्ट रूल्स वर सेट व्हिच डिडंट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू. तो यहाँ पर अब वो ये कह रहे हैं कि इन अनटचेबल्स को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की परमिशन नहीं होती. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the villages. जैसे कुछ ग्रुप को क्या किया जाता है, कुछ ग्रुप्स को जबरदस्ती उनको मजबूरन उनको कचरा उठाने के लिए कहा जाता है. अच्छा, मरे हुए जो एनिमल्स हैं उनको गांव से हटाने की उनको इजाजत उनको दी जाती है. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स. लेकिन उनको ना तो अपर कास्ट वाले किसी भी घर में एंटर करने के लिए उनको परमिशन नहीं है, ना उनको विलेज के जो कुएं से उनको पानी लेने की इजाजत नहीं है. इवन कि उनको मंदिरों में टेम्पल्स में भी एंटर नहीं करवाया जाता. सो देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल्स. और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ उनको और क्या परमिशन नहीं है, जैसे अगर उनके जो बच्चे हैं वो दूसरी कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ भी नहीं सकते. ओके, सो दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिडंट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे एंजॉयड. तो इस तरह से जो हाई कास्ट के लोगों को जो राइट मिले हुए थे उससे उन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनको उनसे क्या किया हुआ था, उनसे उनको वंचित रखा हुआ था. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. So, अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे इंडिया का एक बड़ा ही फेमस एक ग्रेट ग्रेटेस्ट जो लीडर है, एक मशहूर हस्ती को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था. ये जो पार्ट है ये हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि कैसे कास्ट के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए. ठीक है, इंडिया में एक बहुत एक महान लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जाति व्यवस्था पर, इस कास्ट सिस्टम पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है. और ये एक्सपीरियंस उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे और महाराष्ट्र में इसमें ये महाराष्ट्र में कहाँ था ये, और ये महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ वो पिता अपने फादर से मिलने गए थे. ओके, सो लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप and are
left and the station master came to inquire. He asked us for our ticket. We showed them to him. He asked us why we turned. So we told him that we were bound for Karagaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we didn't know how to reach Karagaon. So वो ये कहते हैं कि बड़ी देर हमने वहाँ पर वेट किया, ठीक है, और वेट किया पर कोई नहीं आया. एक घंटा बीत गया तो जो स्टेशन मास्टर था वो हमें पूछने आ गए और उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए. उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे. तो हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना चाहते हैं, हमें कोरेगांव जाना था और हम अपने फादर या उनके जो सर्वेंट हैं उनके आने का वेट कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं. ओके, सो वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. From our dresses or talk, no one could make out that we are children of the untouchables. तो अब हमें ये तो पता नहीं था कि कैसे पहुंचते हैं. तो हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हमारे कपड़े और हमारी जो बोलचाल थी उससे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अनटचेबल अनटचेबल के मतलब कि अछूतों के अनटचेबल्स के जो हैं बच्चे थे. और उसमें इन डीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टस्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस. एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज the station master asked us who we were without a moment's thought. I blurted out that we were Maharas. So Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay presidency. So he was stunned. अब क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं पहचान सकता था कि भाई हम अनटचेबल्स फैमिली के से हैं, हम अनटचेबिलिटी में हैं. सो निश्चय ही जो स्टेशन मास्टर जो था उसको भी ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और भी हम हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है. तो स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं. बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं और बॉम्बे जो है वहां पर महार सब कम्युनिटीज को अछूत माना जाता है, ठीक है. सो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसमें महार जो कम्युनिटी है उसको अछूत माना जाता है. तो उनको एकदम से धक्का लगा. ही वो स्टंट फेस His face underwent a sudden change, and we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. तो अब वो एकदम से उनको इस बात का धक्का लगा जैसे ही उन्होंने सुना और वो बड़े भौचक्के से रह गए. उनका जो फेस है उस पर अचानक चेंजेस हुए. हमने देख लिया कि एक अजीब सी जो होती है ना घृणा होती है, घृणा की जो भावना होती है उन पर हावी हो गई. सो एज सून एज ही हर्ड माय रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर. सो 15 टू 20 मिनट्स elapsed. द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग. आवर फादर हैड नो टर्नड अप नोर हैड ही सेंट हिज servant, and now the station master had also left us. So we were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. So ab kya hua ki jo station master jo tha, theek hai, wo ab unhone jaisa hi मेरा जो जवाब सुना तो वो अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए. सो 15 टू 20 मिनट्स उस टाइम बीत चुके थे.
जो सन था सनसेट हो रहा था, यानी कि सूरज भी छिप सा गया था, और मेरे फादर जो है वो आए नहीं थे और ना ही उनका जो सर्वेंट है, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे, और जर्नी के शुरू में जो खुशी जो उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब बहुत एक बहुत ही ज्यादा उदासी ने ले ली थी। एक्सट्रीम सैडनेस आ गई थी, जो फीलिंग जो पहले बहुत जैसे ही हमने जर्नी स्टार्ट की तो मैं बड़ा हम बड़े खुश थे, तो वो सब अब खत्म हो चुका था। हम पूरी तरीके से बहुत उदास हो गए थे, और आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलक कार ऑन हायर वी वुड गो टू कैरोगांव, एंड इफ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे। तो आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने को सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कैरोगांव जा सकते हैं, और अगर कैरोगांव ज्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। तो देयर वर मैनी बुलक कार्स प्लेइंग फॉर हायर, बट माय रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर माहार हैड गोन अराउंड अमंग द कार्टमैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर्ड टू सफर बीइंग पोल्यूटेड एंड टू डिमेन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर्स ऑफ द अनटचेबल क्लासेस। तो अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमने ये कहा कि अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हम तो अभी निकलना चाहेंगे, वहाँ जो है रेंट पर कई सारी बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं तो उसका पता सबको चल गया था, और कोई भी जो गाड़ी वाला है गाड़ीवान है वो हम जो ये अनटचेबल क्लास है उनकी सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम क्या थे, हम दोगुना किराया देना दे रहे थे, ठीक है। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट द फाउंड दैट मनी डिडंट वर्क। हम उन्हें डबल किराया देने की बात कर रहे थे लेकिन उस पैसे ने से हमारी बात नहीं बनी। सो द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए जो गाड़ीवान थे उनसे मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये सोर्स है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून बॉम्बे एडुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए के दिखा रहे हैं, देखिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalit. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was born into the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahar were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in spaces outside the main villages and were not allowed into the village. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे 1891 से 1956 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर और दलितों के सबसे बड़े लीडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलित कम्युनिटीज थी उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी, और महार लोग जो थे वो पुअर होते थे, उनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, और उनके बच्चों को कहीं भी काम नहीं उनको बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे, तो उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने का कि उन्हें परमिशन नहीं थी। सो डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम दिस कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। तो
अंबेडकर अपनी जाति अपनी कास्ट के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। ओके एंड ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। ही आल्सो आस्क्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब और इसके साथ साथ जो अंबेडकर जी थे उन्होंने क्या क्या उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब कराने करने को कहा ताकि वो अपनी जो कास्ट सिस्टम है उससे बाहर निकल आए। ओके एंड बाहर निकल आए एंड देन ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इन टू टेम्पल्स। लेटर इन लाइफ ही फॉर अ रिलीजन ही इन टू टेम्पल्स लेटर इन हिज लाइफ ही कन्वर्टेड ऑफ बुद्धिज्म इन हिज सर्च ओ फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। अब दलितों के टेम्पल में प्रवेश करने के लिए जो कई उन्होंने कई एफर्ट्स किए जा रहे थे, ठीक है, उनका अंबेडकर ने क्या किया, उनका उनकी लीडरशिप की, जो एफर्ट्स किए जा रहे थे जो ये दलित थे इनके टेंपल में एंट्री के लिए, उसकी जो लीडरशिप थी वो किसने की, अंबेडकर जी ने की। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको सम्मान निगाहों से देखे। तो जीवन में आगे चलकर उन्होंने जो रिलीजन चेंजेस जो धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और उनका ये मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए। ओके मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्संस, और ऐसा सोसाइटी बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबको सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ ही लोगों की। यस स्टूडेंट, सो डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्ट मैन रिफ्यूज देम। वाई बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी जो क्राफ्ट जो ये कार्ट मैन थे उन्होंने वो ले उनको ले जाने से मना क्यों कर दिया। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज ब्रदर। जो स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड वेन ही सॉ आवर स्टेशन मास्टर्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर के जो जो क्या थे जो उनकी प्रतिक्रिया थी स्टेशन मास्टर के जो उनका रिएक्शन था उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा। तो आप अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें। एंड हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडिस और विटनेस एंड इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हाउ डिड दिस मेक यू फील। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के इस पूर्व धारणा का एक्सपीरियंस हुआ है या आपने दूसरों के प्रति जो भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है तो उससे आपको कैसा कैसी फीलिंग हुई। ओके सो नाउ इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज टू हैव पीपल मूव अवे रिफ्यूज टू टच यू आर यू और अलाउ अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज एज दे डू। अब यहाँ पर क्या है कि आप इमेजिन करके देखिए कि यह कितना डिफिकल्ट होगा अगर लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने ना दिया जाए। ये कितना इंसल्टिंग और इंसल्टिंग लगता है, ठीक है, ये कितना इंसल्टिंग और हर्टफुल होता है हार्टफुल होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें आपको छूने से भी मना करें और आपको पीने का पानी ना आपको पीने पानी भी पीने ना दें, ठीक है, पीने का पानी भी ना दें। सो दिस स्मेल दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी। All the cart men at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. अब आप देखिए यहाँ पर
कि ये छोटी सी घटना आपने देखी कि कैसे जो गाड़ी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के साधारण काम की जो फैसिलिटी भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वो पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी कार्टमैन जो थे उन्होंने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया, उन्होंने बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव किया, डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से उनको उनके साथ बिहेव किया। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। सो इस स्टोरी से ये बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो कास्ट पर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, ना केवल वो दलितों को कई एक्टिविटीज से वंचित रखता है, बल्कि वो उन्हें जो रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है वो भी उन्हें नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। सो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट्स स्ट्रगल फॉर लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। दलित वीमेन ट्राइबल एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। तो जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश रूल था उससे आजादी पाने के लिए जो स्ट्रगल किया गया था उसमें इक्वालिटी के बिहेवियर के लिए, जो समानता है उसके व्यवहार के लिए किया गया जो ये संघर्ष भी शामिल था, जिसमें आपके क्या है जो दलित्स हैं, ठीक है, दलित आ गए, विमेन औरतें आ गए, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब किसान, ठीक है। सो जो ट्राइबल्स होगी, जो जनजातियां होती हैं, किसान हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जिस इनइक्वालिटी, ठीक है, जिस इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। जैसा कि पहले भी बात हुई है कि बहुत सारे दलितों ने क्या करा, संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर टेंपल में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने आगे, उसके बाद विमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। जो महिलाएं हैं उन्होंने डिमांड की कि जैसे पुरुषों के पास एजुकेशन का राइट है वैसा ही उन्हें भी अधिकार मिले। ओके, एंड पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाउंड टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड। उसके साथ साथ जो किसान और दलित हैं उन्होंने अपने आप को जमींदारों और उनकी जो जो उनके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किए। सो व्हेन इंडिया बिकेम द नेशन इन 1947 आवर लीडर टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। सो 1947 में जब इंडिया जब आजाद हुआ तो एक नेशन बना, तो हमारे लीडर्स ने समाज में व्याप्त कई तरह की जो ये इनइक्वालिटीज थी उन पर विचार किया। एंड दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल बाय विच द नेशन वुड फंक्शंस वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने कहा कि उन्होंने विचार किया, उन्होंने इस इनइक्वलिटी पर विचार किया और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले लोग भी इस बात से पूरे अवगत थे कि हमारी सोसाइटी में कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरीके से स्ट्रगल किया। और कई जो लीडर्स थे, ठीक है, कई लीडर्स इन लड़ाइयों के हिस्सा बने। यस, मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित। तो कई सारे लीडर जो हैं इस लड़ाई के हिस्सा बने, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए इस सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल।
ओके सो इसलिए जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी दृष्टि, ऐसे विजन और ऐसा लक्ष्य रखा जिससे इंडिया में सभी लोगों को बराबर माना जाए. सो दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू ऑफ दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस. तो जो ये तो समानता जो है, इक्वालिटी जो है, इसको इक्वालिटी को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक इंडियन के रूप में जोड़ती है. एंड अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ. और जो ये अनटचेबिलिटी है यानी जो छुआछूत है उसको अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, इसे अबॉलिश कर दिया गया. एंड पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज. सो लोग जो हैं अब वो अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद थे. जो जॉब्स थी वो सभी लोगों के लिए अब ओपन हुई थी. इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पर ये विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी कि वो गरीबों और जो मुख्य धारा के अलग अलग पड़े अलग 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 थलग जो पड़े हुए कम्युनिटीज हैं उनको इस इक्वालिटी, इस राइट ऑफ इक्वालिटी के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए. तो द राइटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी. तो हमारे हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है राइटर्स ने ये भी कहा है कि जो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, उसे वैल्यूएबल मानना, इक्वालिटी सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एलिमेंट है. एंड दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. और उन्होंने ये भी महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी लैंग्वेज बोलने, अपने फेस्टिवल मनाने और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने, अपने को एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी होनी चाहिए. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली. सो दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. सो दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली. तो इसलिए उन्होंने ये जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी. इसलिए भारत की जो क्या है, जो धर्म निरपेक्ष कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है जहाँ लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं. तो देखो इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री एंड वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो दिस इज सीन एज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. सो इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण फैक्टर जो हमारी यूनिटी है उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं. So, though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. So, people's struggles and positive functions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. Okay, so इसीलिए क्या है, हालांकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर ये जो लेसन है इसी बात को उठाता है कि इन इक्वालिटी आज भी मौजूद है. इक्वालिटी वो वैल्यू है जिसके लिए हमें निरंतर जो है स्ट्रगल करते रहना होगा. इंडियंस के लिए इक्वालिटी का जो वैल्यू है वो वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने. इसके लिए लोगों के संघर्ष, लोगों के स्ट्रगल, उनका जो आंदोलन है और सरकार जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो उठाए गए कदम हैं,
स्टेप है वो बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो हैव अ गुड डे।